रेस 3 का क्लाइमैक्स होने वाला है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्लाइमैक्स ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फिल्मी यारा राहुल भोज और यहां पर आप लोगों के लिए रेस 3 से एक इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आया हूं। क्या आप ये बात जानते हैं कि रेस 3 का जो क्लाइमैक्स है वो मल्टीपल शूट किए गए हैं उसके? जी हाँ दोस्तों, जब मैंने मिस्टर रमेश तुरानी जी का इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने ये बात बोली थी कि हमने रेस के क्लाइमैक्स को सस्पेंस बनाए रखने के लिए, मतलब कि आखिर में क्या होगा, इसके लिए मल्टीपल क्लाइमैक्स शूट किए गए हैं, मतलब कि 2 से ज्यादा क्लाइमैक्स शूट हुए हैं। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि फाइनल में कौन सा क्लाइमैक्स रखते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर। खैर ये तो रही पुरानी बात, नई बात ये है कि रेस 3 का जो क्लाइमैक्स है वो एक्सटेंसिवली शूट हुआ है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बॉलीवुड में आज तक इतना महंगा क्लाइमैक्स सीन शूट नहीं किया गया है। अबू धाबी में इसका दोस्तों प्रॉपर सेट लगाया गया था जहां पर क्लाइमैक्स शूट किया गया है और इसमें जो एक्शन डायरेक्टर हैं वो मिस्टर टॉम्स चर्चेस हैं। सारी कास्ट यानी कि सलमान खान, डेजी शाह, जैकलिन फर्नांडिस, बॉबी देओल, साकिब सालिम, फ्रेडी दारुवाला, अनिल कपूर, ये सब मिलकर कास्ट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और ये सब मिलकर क्लाइमैक्स में और भी ज़्यादा जान डालते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये सामने आई है दोस्तों कि एक ही सेट पर 3 यूनिट के द्वारा शूट किया गया है क्लाइमैक्स। जहां पर एक यूनिट ही इतनी ज्यादा भारी पड़ती है वहीं पर 3 डिफरेंट यूनिट लाना दोस्तों, ये तो भाई प्रोड्यूसर रमेश तुरानी और को प्रोड्यूसर SKF यानी कि सलमान खान फिल्म्स की ही बात है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रेस का जो क्लाइमैक्स आए, रेस 3 का जो क्लाइमैक्स आए वो ग्रैंड हो, ह्यूज हो और उसी चीज को, उसी लेवल को अचीव करने के लिए यहां पर इतना ज्यादा पैसा जो है बहाया गया है क्लाइमैक्स सीन पर। साथ ही साथ एक और चीज है इसमें ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि 5 सेटअप कैमरा से पूरी शूटिंग हुई है। कनाडा से स्पेशली ड्रोन कैमरा वाले बुलाए गए थे जो कि ड्रोन कैमरा को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ड्रोन कैमरा ना बहुत सही होता है, अगर आप कभी यूट्यूब में चेक कीजिएगा बहुत अलग अलग होते हैं, तो ड्रोन कैमरे की वजह से ही इसमें और भी ज्यादा मसाला भर जाएगा। मैं तो इंटरेस्टिंगली वेट कर रहा हूँ 15 जून का कि 15 जून कैसे आए और मैं रेस 3 देखूँ, क्लाइमैक्स देखूँ और आप लोगों को इसका रिव्यू बताऊँ। डोंट वरी, रिव्यू स्पॉइलर फ्री होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर इसका क्लाइमैक्स तो आप लोगों की कितनी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। कमेंट सेक्शन में सारी बातें बोल डालें एंड इसी तरीके की अपडेट्स के लिए वॉच चैनल फिल्मी यारा विथ मी राहुल भोज है ना यार, आफ्टर ऑल।